Hey guys, welcome back to my channel. My name is Utkarsh and today I will tell you my full day of eating in Navratri. मेरे घर में नवरात्रों में चिकन अंडे तो बंद होते ही हैं, साथ में अनियन गार्लिक भी बंद हो जाते हैं. तो जो एक फिटनेस लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा है वो ये चीज़ अच्छे से समझ सकता है कि जो अंडे और चिकन से अपना मैक्रोज का सोर्स लेते हैं उनके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा जब चिकन अंडे और अनियन गार्लिक भी बंद हो जाएगा. लेकिन क्योंकि 7 दिन की बात है तो हमें डाइट तो ज़रूर लेनी है, तो मैंने बनाया है पूरा डाइट प्लान, आप भी इसे फॉलो कर सकते हैं. तो चलते हैं मेरी फुल डे ऑफ ईटिंग इन नवरात्र वीडियो में. ठीक, तो सबसे पहले मैं उठते के साथ ही मैं आधा लीटर पानी में थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर डालता हूँ, फिर एक चम्मच ऑर्गेनिक हनी, मैं रोज़ सुबह खाली पेट ये पीता हूँ एप्पल साइडर विनेगर और साथ में हनी में थोड़ा पानी, क्योंकि ये आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है. आप सभी को खाली पेट ये पीना चाहिए रोज़. सो मील नंबर 1, 200 ml ऑफ मिल्क, साथ में 15 ग्राम तक 5 बादाम, ये होगा आपका मॉर्निंग ब्रेकफास्ट. सो मील नंबर 1 में हमने लिया है 200 ml नॉन फैट मिल्क, 15 ग्राम ओट्स और 5 आलमंड्स. इसके मैक्रोज मैं स्क्रीन पे छोड़ दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं. ब्रेकफास्ट हो गया कंप्लीट, अब मैं मिलता हूँ अगली मील में. सो इट्स टाइम फॉर मील 2 एंड बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर आई वांट टू टेल यू बिकॉज मील 2 इज नन अदर देन सोयाबीन. और बहुत मिथ है सोयाबीन को लेके, इसलिए से मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सोयाबीन खाने से एस्ट्रोजन नहीं होता है. आप डेली 50 ग्राम तक सोयाबीन खा सकते हो. ये है अभी इस कटोरी का वेट 59, मतलब 50 ग्राम हमें ये डालनी है, टोटल आएगा 109. 72 79 89. ठीक है, अब इसे लो और कुकर के अंदर डाल दो और मेक श्योर जो आपका सोयाबीन है वो पूरा ऊपर तक तैरे पानी के. अब इसको गैस पे रखते हैं और 1 सीटी पे बंद कर देंगे. पास है जैसा आपने देखा 50 ग्राम सोयाबीन, और इसको टेस्टी बनाने के लिए मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी सीजनिंग की है सॉस की, ताकि थोड़ा इसमें टेस्ट आ जाए, क्योंकि मैंने ये बिना नमक के गैस पे रख दी थी आपने देखा था. और फिर एक छन्नी में इसको निकाल के 1 सीटी पे बंद करके इसका पानी निकाल लो जैसे मैंने दिखाया था, और उसके बाद टेस्ट के लिए थोड़ी सी सॉस डालो और खाओ. नाउ इट्स टाइम फॉर मील 3, और मील 3 में है 100 ग्राम रॉ पनीर. जी हाँ, कोई मेहनत नहीं करनी है बनाने में, कुछ नहीं करना, 100 ग्राम रॉ पनीर लेना है, हाई प्रोटीन, मस्त खाओ. और इसकी मैक्रोज मैं स्क्रीन पर छोड़ दूंगा.
मेरी जो नेक्स्ट मील है वो मेरी प्री वर्कआउट मील भी रहने वाली है, जो कि मैं जिम से 1-1.5 घंटा पहले लेता हूँ। तो ये इसमें थोड़े जो कार्ब्स होंगे वो मैं थोड़े ज़्यादा लूँगा इस मील में। तो मैं लूँगा एक रोटी, साथ में स्किपी पीनट बटर जिसमें 7 ग्राम प्रोटीन है पर सर्विंग में, और साथ में फ्रूट में आप कोई भी सीजनल फ्रूट ले सकते हो। मैंने थोड़े से अंगूर लिए हैं। एंड दिस पीनट बटर इज सो स्मूथ, लुक एट द टेक्सचर ऑफ दिस पीनट बटर। पूरे में आप रोटी में पीनट बटर फैला लो। और जब ये अच्छे से हो जाए तो इस रोटी को रोल करो। हेल्दी मील। नाउ इट्स टाइम फॉर माय पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक, और पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक में मैं लेता हूँ 1 स्कूप वे प्रोटीन, यू कैन हैव टोफू इंस्टेड ऑफ वे प्रोटीन। इफ़ यू डोंट हैव वे प्रोटीन यू कैन यूज टोफू। एंड नाउ आई विल मीट यू इन माई लास्ट मील डिनर। सो गाइज, नाउ द टाइम इज फॉर माई लास्ट मील, और लास्ट मील में मैं लेता हूँ 200 ग्राम रॉ पनीर। देखो मैं क्यों रॉ पनीर चूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि लहसुन अदरक भी नहीं है हमारे घर में अलाउड इन 7 दिनों में। तो अगर आपके घर में अलाउड है तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप इस 200 ग्राम पनीर के साथ एक भुर्जी बना लो, एक भुर्जियाँ बना लो अगर आपके घर में लहसुन प्याज अदरक बन जाता है तो। सुबह भी जो मैंने 100 ग्राम पनीर बताया था उसमें भी आप ये कर सकते हो, भुर्जी बना सकते हो टेस्ट के लिए। लेकिन बॉडी बिल्डिंग में टेस्ट मुझे नहीं लगता, जो फिटनेस लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा है वो टेस्ट के लिए खाता है खाना, बस प्रोटीन चाहिए मुझे तो कहीं से भी मिले तो मैं रॉ खा सकता हूँ। 200 ग्राम पनीर लेना है आपको हाई प्रोटीन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी आपके हेल्प आई या बेनिफिशियल लगी, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़।